हे हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंटर। सो बात करेंगे नए मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक का अगला मॉलिक्यूल जो हम पढ़ने वाले हैं उसको कहा जाता है इथीन। ना हमको पता है कि ऑर्गेनिक का कुछ बेसिक्स अगर आपको आता है तो आपको पता होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज ब्रॉडली। अगर आप क्लासिफाई करते हो दे कैन बी अल्केन, दे कैन बी अल्कीन, दे कैन बी अल्काइंस। अल्केन्स वो होते हैं जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन्स वो होती है जहाँ पे एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होगा, और अल्काइंस वो होता है जहाँ पे एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, उस केस में सिचुएशन अलग हो जाएगी। उनका नामकरण जो होगा वो हम बाद में देखेंगे कि उसका आयुपैक नोमेनक्लेचर हम कैसे लिखते हैं। तो बात करेंगे इस मॉलिक्यूल की, जो बहुत ब्यूटीफुल मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल से एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट निकल के आएगा आने वाले टाइम में। आपको वो कॉन्सेप्ट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत हेल्प करने वाला है, और उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है रेजोनेंस। ना उस रेजोनेंस को अगर आपको समझना है तो आपको इथीन से स्टार्ट करना होगा समझने के लिए कि वो रेजोनेंस एक्चुअली होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं इथीन मॉलिक्यूल के बारे में। नाउ हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में जब हम अल्केन के बारे में पढ़ रहे थे हमने मीथेन मॉलिक्यूल को देखा था, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इथीन मॉलिक्यूल के बारे में। सपोज यू हैव गॉट कार्बन एटम, आपके पास एक और कार्बन एटम है, तो मेरे पास दो कार्बन एटम्स हैं। पहले वाले कार्बन का एटॉमिक नंबर भी 6 है, दूसरे वाले का भी एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली 6 ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी कमिंग आउट टू बी 1s2, इट विल बी 2s2 एंड दिस विल बी 2p2। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2। नाउ इसके पहले शेल में देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर्ड होंगे, सेकंड शेल में देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर्ड होंगे, पी के अंदर देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन जो कि अनपेयर्ड होंगे, यहां पर एस के पास भी देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर्ड होंगे, पी के पास देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एस के पास एंड पी के पास देयर विल बी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाउ सपोज आपके पास अगर 8 हाइड्रोजन एटम्स आते हैं, यू हैव गॉट 8 हाइड्रोजन एटम्स, तो क्या होगा सर, ये 8 हाइड्रोजन एटम्स में से 4 हाइड्रोजन एटम्स जो होंगे एक कार्बन के पास चले जाएंगे, 4 हाइड्रोजन एटम्स जो होंगे वो दूसरे कार्बन के पास चले जाएंगे, और दोनों कार्बन अपना क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेगा और CH4 बनाएगा, CH4 बनाएगा यानी मीथेन बनाएगा। नाउ सपोज इफ हाइड्रोजन इज लिमिटेड, यानी आपके पास अगर मैं हाइड्रोजन कहता हूं कि यू हैव गॉट ओनली, लेट अस से ओनली 4 हाइड्रोजन, आपके पास सिर्फ 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 4 हाइड्रोजन में से ये वाला कार्बन भी चुराने की कोशिश करेगा बिकॉज उसको CH4 बनाना है, ये वाला कार्बन भी चुराने की कोशिश करेगा बिकॉज उसको CH4 बनाना है, बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो चारों हाइड्रोजन एटम्स जो होंगे वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। कैसे डिवाइड हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ चले जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ चले जाएंगे। बट मुझे एक और चीज़ पता है कि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना होता है बिकॉज कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। आपने अगर कार्बन के एटम को देखा हो, कार्बन के पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल के अंदर इट हैज गॉट 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की जो उसको जरूरत होती है उसके लिए वो 4 बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। बट सर हमको पता है 4 बॉन्ड बनाने के लिए उसको यहां से एक इलेक्ट्रॉन का जंपिंग करवाना होगा, जिसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिसको कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट में जाना होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू VBT कार्बन उतने ही बॉन्ड बनाएगा जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। उस हिसाब से तो कार्बन 2 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, पर कार्बन बनाता 4 बॉन्ड है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है VBT में, तो उसको हम मॉडिफाई कैसे करेंगे कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके यहाँ चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाता है, व्हाट यू विल बी गेटिंग विल बी एक और इलेक्ट्रॉन सिंगल हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सिंगल मिलेंगे मुझे, ये यहाँ पर भी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके यहाँ चले जाएगा, यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसका 1s का इलेक्ट्रॉन जो होगा, 1s का इलेक्ट्रॉन वहाँ के वहीं रहेगा, दिस विल बी 1s, दिस विल बी 2s एंड दिस विल बी 2p, दिस विल बी 2s, दिस विल बी 2p और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। दिस आर 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स, सो माइंड इट, ये दो अलग अलग कार्बन एटम्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। द प्रॉब्लम इज, हमने लास्ट लेक्चर में एक और चीज पढ़ी थी कि यहाँ पे कुछ हाइब्रिडाइजेशन नाम की चीज होती है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जनरेट करते हैं। ना प्रॉब्लम यह है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा और वो कितनी ऑर्बिटल्स होंगी जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगी। सर ये डिपेंड करता है कि मैं कितने इंडिपेंडेंट सिंगल बॉन्ड्स बना सकता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि यहां पर एक कार्बन को 2 हाइड्रोजन मिल रहा है, दूसरे कार्बन को 2 हाइड्रोजन मिल रहा है, जबकि कार्बन की वैलेंसी होनी चाहिए 4 बिकॉज उसको 4 बॉन्ड बनाने चाहिए, तो अनफॉर्चुनेटली सिंस उनको सिर्फ 2 ही बॉन्ड हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तो 2 बॉन्ड तो वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, बचा हुआ एक बॉन्ड, क्योंकि उसको 4 बॉन्ड बनाने, बचा हुआ एक बॉन्ड कार्बन कार्बन आपस में बनाएंगे, तो फिर भी तो एक बॉन्ड रह जाता है ना, क्योंकि कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाने, तो कार्बन यहां पे क्या करता है, अपने 3 ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन करता है और ये वाली ऑर्बिटल को अनहाइब्रिड रखता है। अब इसका क्यों रीजन आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा। और यहां पर भी ये कार्बन अपने 3 ऑर्बिटल्स को क्या करता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन करता है,
और इस ऑर्बिटल को वो क्या रखता है, अनहाइब्रिड। नाउ व्हेन आई से अनहाइब्रिड, यानी उसने इलेक्ट्रो ऑर्बिटल्स के टाइम पे एनर्जी के लेन देन में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, वो अपना इंडिपेंडेंट पी ऑर्बिटल है। आप लोग इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को यहाँ वहाँ रिडिस्ट्रीब्यूट करो, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाओ। सो व्हाट यू विल बी गेटिंग विल बी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, आपके पास तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी, जिसमें एक ऑर्बिटल यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एंड एक ऑर्बिटल होगा जो आपका अनहाइब्रिड रहेगा और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। तो मैं इनको कहता हूँ दिस आर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दिस आर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। सिमिलरली यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको तीन ऑर्बिटल्स मिलेंगी जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी और उसमें एक 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 इलेक्ट्रॉन होगा और एक ऑर्बिटल आपका जो होगा वो अनहाइब्रिड होगा। दिस विल बी अगेन sp2 हाइब्रिड एंड दिस विल बी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। नाउ द प्रॉब्लम इज कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके पास कितने हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मेरे पास तीन ऑर्बिटल्स हैं जिसमें एक ऑर्बिटल s का कंट्रीब्यूशन दिखाता है और दो कंट्रीब्यूशन p की तरफ से हुआ था। यानी जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ था तब एक ऑर्बिटल s का था और दो ऑर्बिटल p के थे जिन्होंने आपस में एनर्जी को एक्सचेंज किया। सिंस हमने मीथेन मॉलिक्यूल के वीडियो में पढ़ा था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप वैसा नहीं होता जैसा इंडिपेंडेंट ऑर्बिटल्स का था। हमने लास्ट वीडियो में यह भी देखा था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन होता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का शेप बदल जाता है। तो यहां पर मुझे बताओ तीन ऑर्बिटल्स में एस ने कंट्रीब्यूट किया है और पी ने भी कंट्रीब्यूट किया है, तो एस का जो कंट्रीब्यूशन होगा, व्हाट विल बी एस का कंट्रीब्यूशन, तो एस का कंट्रीब्यूशन विल बी 1/3 और जो पी का कंट्रीब्यूशन होगा That will be contribution. So what will be the P ka contribution? P ka contribution will be 2/3. So what will be this? This will be 0.33 के आसपास और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 0.66 के आसपास। अगर मैं परसेंटेज के टर्म्स में बात करूँ तो इसका कंट्रीब्यूशन विल बी समवेयर अराउंड 33% अप्रॉक्सीमेटली समवेयर अराउंड 33% और इसका कंट्रीब्यूशन विल बी अप्रॉक्सीमेटली समवेयर अराउंड लेट अस से 66% कंट्रीब्यूशन होता है। यानी यहाँ पर एस का कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है और पी का कंट्रीब्यूशन 66% है। आपने अगर मीथेन मॉलिक्यूल में देखा हो तो हमने मीथेन मॉलिक्यूल में, यानी जब मैं CH4 मॉलिक्यूल की बात करता था, CH4 जहाँ पर आपके कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ था, वहाँ पर एस कंट्रीब्यूशन जो था, एस का कंट्रीब्यूशन दैट वॉज समवेयर अराउंड 25% कंट्रीब्यूशन था और P का जो contribution था that was somewhere around 75% contribution। यानी वहां hybrid orbitals में S character कम था और P character अच्छा खासा था, यहां पर S character थोड़ा सा बढ़ गया है और P character थोड़ा सा कम हो गया। तो hybrid orbitals अपने आप को arrange करने की कोशिश करेंगी। तो hybrid orbital कैसे arrange करेंगी, सर एक चीज याद रखना, hybrid orbitals अपने आप को जहां पर भी arrange करेंगी वो उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड करेगा, यानी उसका ज्योमेट्री क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और इस चीज को जरा ध्यान से सुनना। ओके, सो सपोज मेरे पास ये पेपर है, आई हैव गॉट दिस पेपर और मेरे इस पेपर में मेरे पास दो कार्बन है, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। नाउ हर कार्बन ने अपना अपना एक एक ऑर्बिटल जो है वो अपना अपना ऑर्बिटल यहाँ डायरेक्शन में रखा होगा, अपना अपना एक एक ऑर्बिटल ये डायरेक्शन में रखा होगा और एक ऑर्बिटल को यहाँ रखा होगा, एक ऑर्बिटल को यहाँ रखा होगा। ये तीन वो ऑर्बिटल्स हैं जो हाइब्रिडाइज्ड हैं। सो आई विल बी सेइंग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वो भी कौन सी हाइब्रिडाइज, sp2। सिमिलरली ये कार्बन ने कहाँ रखा होगा, इस तरीके से यहाँ रखा होगा और इस कार्बन का एक ऑर्बिटल यहाँ गया होगा। सो इफ यू टेक इट केयरफुली, आपके पास तीन ऑर्बिटल्स हैं जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, दैट इज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसने इसको इस तरीके से अरेंज किया। यहाँ जो एंगल निकल के आएगा दैट एंगल विल बी 120 डिग्री। सो यहाँ पर भी जो एंगल निकलेगा 120 120 120 120 120, बट इफ यू रिमेंबर यहाँ पर एक ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिड है, वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा वो आधा इलेक्ट्रॉन उसका ऊपर होगा बिकॉज अभी भी उसमें पी शेप है और आधा इलेक्ट्रॉन उसका नीचे होगा। याद रखना दिस ऑर्बिटल इज हाइब्रिडाइज्ड, ये जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है इसके अंदर एस का 33% कैरेक्टर है और पी का 66% कैरेक्टर है। आप लोग ठीक है ना, दिस ऑर्बिटल विल नॉट लुक लाइक एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ एस एंड पी, ये थोड़ी इलोंगेटेड भी होगी और थोड़ी सी बड़ी भी या फ्लैटेंड भी होगी। वेर एज अगर आप इस ऑर्बिटल की बात करते हो, दिस इज ओनली अन, ये दिस इज अनहाइब्रिड और सिंस दिस इज अनहाइब्रिड दिस ऑर्बिटल विल बी 100% पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल।
सिंस दिस इज 100% पी ऑर्बिटल, ये इलोंगेटेड दिखेगी। तो एक काम करते हैं, इस ऑर्बिटल को थोड़ा इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। दिस ऑर्बिटल ये यहाँ पर है। सिमिलरली इस कार्बन की भी एक ऑर्बिटल जो होगी वो ऊपर होगी और एक ऑर्बिटल जो होगी वो नीचे होगी। एंड दिस इज सम, सर याद रखना दिस इज वन ऑर्बिटल जो अप एंड डाउन दोनों हिस्सों में है, यानी सिंस वो पी ऑर्बिटल, और हम सबको पता है पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो डंबल शेप होता है, यानी वो ऊपर भी होती है और वो नीचे भी होती है। तो ये पी ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल का डबल क्यों नहीं है? बिकॉज हमने देखा कि एस और पी का हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, तो इट्स एन हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसीलिए उसके दो लोब्स नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ पर आपको लोब्स मिलेंगे। सब मुझे पता है यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो मैं इसको थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में बनाता हूँ। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास कितने हाइड्रोजन थे? चार, दो इधर जाएंगे, दो इधर जाएंगे, तो एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, एक बॉन्ड बनेगा यहां पर, और एक बॉन्ड बनेगा यहां पर। सो व्हाट यू विल बी गेटिंग विल बी कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यानी कार्बन और यहां पर इन्होंने आपस में ओवरलैप किया। सो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड हाइड्रोजन, बॉन्ड हाइड्रोजन, बॉन्ड हाइड्रोजन, बॉन्ड हाइड्रोजन। नाउ इफ यू लुक वेरी केयरफुली, हर कार्बन ने अब तक तीन तीन बॉन्ड बना लिए हैं, पर कार्बन की वैलेंसी कितने की होती है? चार, और अनफॉर्चुनेटली उसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन अभी भी अनहाइब्रिड है और उन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। बिकॉज मेरे पास हाइड्रोजन दो दो ही थे, मुझे भी दो मिले, आपको भी दो मिले, एक बॉन्ड हमने सामने सामने बनाया। अब क्या होगा, ये ऑर्बिटल्स, ये जो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे। अब आपको डायग्रामेटिकली ये चीज बड़ी लंबी दिखती होगी, आप सोचोगे कैसे ये ओवरलैप हो जाएगा, पर एक्चुअली में जब आप एटम्स की बात करते हो, एटम्स आर स्फेरिकल, और जब एटम्स स्फेरिकल होते हैं वो इतने भी बड़े नहीं होते हैं कि उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो किलोमीटर्स में या मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में होगा। दे आर इन एंगस्ट्रॉम, या मैं कह सकता हूँ फर्मी लेवल पे होते हैं, एंगस्ट्रॉम लेवल के, नैनो पिकोम लेवल पे या एंगस्ट्रॉम लेवल पे होते हैं, यानी 10^-10 के आसपास बहुत छोटे होते हैं। तो ऑर्बिटल्स उनकी इस तरीके से पैरेलल होती हैं, ये पैरेलल ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ बैंड हो जाएंगी और बैंड होने के बाद एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगी, और बॉन्ड जो होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ से ये ऑर्बिटल अपना शेप चेंज करके यहाँ पर आने की कोशिश करेगी, यहाँ से ये ऑर्बिटल अपना शेप चेंज करके यहाँ पर आने की कोशिश करेगी, और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो जाएगा, एंड दैट्स हाउ यू मेक अ बॉन्ड। सिमिलरली नीचे भी ये ऑर्बिटल यहाँ पे आने की कोशिश करेगी और इसकी ऑर्बिटल यहाँ पे आने की कोशिश करेगी, एंड देयर विल बी अ शेयरिंग ऑफ बॉन्ड। सो व्हाट यू विल बी गेटिंग विल बी कि एक बॉन्ड तो आमने सामने बना, यानी आई वॉज अ कार्बन, सामने कार्बन था, आमने सामने का बॉन्ड था, और एक बॉन्ड था जो ऊपर और नीचे ऐसे इस तरीके से बना। दिस बॉन्ड जो आमने सामने बना है, इस बॉन्ड को कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड जो कार्बन और हाइड्रोजन में आमने सामने बना है, दिस विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड, इसको भी क्या कहा जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। दिस इज ऑल्सो अ सिग्मा बॉन्ड, एंड इवन दिस इज ऑल्सो अ सिग्मा बॉन्ड। द बॉन्ड विच इज लाइक जो ऊपर की तरफ बना है इस तरीके से, दो ऑर्बिटल्स, मेरा एक ऑर्बिटल था अप एंड डाउन, मैंने आपके साथ सिर्फ बेंड होके बॉन्ड बनाया है, दिस बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज पाई बॉन्ड, इसको पाई बॉन्ड कहा जाता है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, और दूसरा जो बॉन्ड ऊपर बना है दैट बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज अ पाई बॉन्ड। जो ऊपर का पाई बॉन्ड है उसको कहा जाता है हाफ पाई बॉन्ड, जो नीचे बनेगा उसको भी कहा जाता है हाफ पाई बॉन्ड। सो इनडायरेक्टली आपके पास टोटल मिला के कितना बॉन्ड हो जाता है? एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, जो कि कार्बन और कार्बन के बीच में है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है या जो ये पाई बॉन्ड है, इनके दूसरे भी नाम है। एक और नाम है जो सिग्मा बॉन्ड है उसको कहा जाता है एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लेटरल बॉन्ड। नाउ व्हाई दिस इज कॉल्ड एज लेटरल बॉन्ड एंड व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल बॉन्ड, सर याद रखना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां निकालने वाला हूं और उसको ध्यान से सुनना। जहां पर दो सेंट्रल एटम्स के बीच में आमने सामने बॉन्ड बनता है, वहां से पास होने वाली एक एक्सिस को, वहां से पास होने वाली एक एक्सिस को बॉन्ड एक्सिस कहा जाता है, या उसको मेजर एक्सिस कहा जाता है, वो मेन बॉन्ड एक्सिस है, और बाय डिफॉल्ट हम उस एक्सिस को जेड एक्सिस का नाम देते हैं। ये आने वाले कुछ टॉपिक्स में आपको बहुत काम आएगी। जो बॉन्ड एक्सिस होती है, यानी आमने सामने वाले बॉन्ड के एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है, वहां से जो एक एक्सिस पास होगी उसको कहा जाता है जेड एक्सिस।
ना, सिंस ये बॉन्ड एक्सेस पे बन रहा है इसको कहा जाएगा एक्चुअल बॉन्ड, और सिंस ये बॉन्ड इस तरीके से लेटरल ओवरलैप कर रहा है, लेटरली ये दूसरे से मिल रहा है, दिस विल बी कॉल्ड एज लेटरल बॉन्ड। ना मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, सपोज मैं हूँ, मैंने पीछे की तरफ दो बॉन्ड बनाए हैं, मेरे सामने एक बंदा खड़ा है, उसने उसकी अपनी तरफ दो बॉन्ड बनाए हैं, और हम दोनों ने आमने सामने एक सिंगल बॉन्ड बनाया है, दिस इज द सिंगल बॉन्ड जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। उसके न्यूक्लियस मेरे न्यूक्लियस के बीच में एक इलेक्ट्रॉन है, और उस इलेक्ट्रॉन ने उसके न्यूक्लियस को और मेरे न्यूक्लियस को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। इसीलिए जब भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। व्हाई डिक्रीजेस? क्योंकि बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस न्यूक्लियस को भी पकड़ते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच का रिपल्शन कम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपेल करता है, पर अगर दो न्यूक्लियस के बीच में नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो नेगेटिव चार्ज दोनों न्यूक्लियस को क्लोज लेके आएगा। सोचो अगर और ज्यादा नेगेटिव चार्ज आए तो और करीब हो जाएंगे, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आए तो दोनों न्यूक्लियस एकदम आसपास आ जाएंगे, क्योंकि बीच में इसको आप फिजिक्स में कैपेसिटर की तरह पढ़ सकते हो। दो पॉजिटिव के बीच में अगर एक नेगेटिव को लाके रख दिया जाता है तो नेगेटिव दोनों पॉजिटिव को अपने करीब खींच लेता है, जिससे दोनों के बीच का रिपल्शन कम होता है, जिससे पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, ठीक है। एंड एनी सिस्टम ट्राइज टू लोअर इट पोटेंशियल एनर्जी एज मच एज इट्स पॉसिबल। नाउ यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मेरा लेटरल बॉन्ड बना हुआ है, सपोज मेरे एक कार्बन को मैं वहां रखता हूं और दूसरे कार्बन को मैं घुमा देता हूं, लाइक आई एम जस्ट ट्विस्टिंग इट, तो होगा क्या, जो मेरा लेटरल बॉन्ड बना हुआ था अगर आपने मुझे घुमाया तो मैं घूम जाऊंगा, मेरा पी ऑर्बिटल जो यहां था परपेंडिकुलर था इस तरीके से, मेरे परपेंडिकुलर था, वो अब इस तरीके से आ जाएगा और सामने वाले का ऑर्बिटल अभी भी वहीं खड़ा होगा। सो द सिचुएशन विल बी जहां पे आपका एक कार्बन होगा जिसका एक ऑर्बिटल अभी भी वहां परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है, पर दूसरा ऑर्बिटल जो है वो उसके 90 डिग्री चला गया, डोंट यू फील, पाई बॉन्ड ट्विस्ट हो जाएगा। इसको मैं कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूं, जैसे ये दो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये दो परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स हैं जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया है कुछ इस तरीके से, और एक बॉन्ड जो बना है वो सिग्मा बॉन्ड बीच में से बना है। अगर मैं इस कार्बन को ट्विस्ट कर देता हूं, डोंट यू फील, ट्विस्ट करते ही ये ऑर्बिटल तो यही है पर ये ऑर्बिटल अब उसके परपेंडिकुलर हो गई है, दैट्स इट, 90 डिग्री उस पे चली गई है, डोंट यू फील, पाई बॉन्ड टूट जाएगा। यस, एग्जैक्टली। तो आप जब एक कार्बन को घुमा देते हो तो पाई बॉन्ड टूट जाता है, लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड बना था जो बीच में था, डोंट यू फील, वो सिर्फ रोटेट होगा, या मैं उसको कह सकता हूँ वो सिर्फ ट्विस्टिंग होगा, उसका सिर्फ ट्विस्टिंग होगा, वो बॉन्ड टूटेगा नहीं। एक और पॉइंट पे याद रखिएगा, दो न्यूक्लियस जब सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में होता है। आप अगर यहां देखो, इस कार्बन और इस कार्बन ने जो सिग्मा बॉन्ड बनाया है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज बिटवीन द कार्बन एटम, यहां है कार्बन एटम्स के बीच में, बट जब आप पाई बॉन्ड की बात करते हो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में नहीं है, न्यूक्लियस के ऊपर और न्यूक्लियस के नीचे है। तो जो पाई बॉन्ड होता है वो न्यूक्लियस के रिपल्शन को उतना नहीं रोक पाता जितना सिग्मा बॉन्ड बना रोक पाता है। एक और पॉइंट, जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है, सिंस वो दो न्यूक्लियस के एग्जैक्टली बीच में है, दोनों न्यूक्लियस उन दोनों इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन का उसमें से हिल पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, दोनों न्यूक्लियस उसको पकड़ के रखते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है तो वो न्यूक्लियस के ऊपर है और वो न्यूक्लियस के नीचे है, न्यूक्लियस का होल्ड उतना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ पाना, यानी उस बॉन्ड को तोड़ पाना बड़ा आसान हो जाता है। यही रीजन है कि जो अल्कीन्स होती हैं वो अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन बहुत अच्छे से दिखाती हैं, क्योंकि हमको पता है मेरे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड जो होगा वो कमजोर वाला बॉन्ड होगा और दूसरा जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़ा जा सकता पर पाई बॉन्ड को आप आसानी से तोड़ सकते हो। तो अगर ऐसे यहाँ पे मैं H2 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं H2 लिख देता हूँ, ऐसे में अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन को एडिशन करता हूँ, एंड दिस एडिशन शुड बी इन प्रेजेंस ऑफ सब कैटलिस्ट, दैट इज हम लोगों ने पढ़ा है अल्केन्स में जिसको कहा जाता है, अल्कीन्स में जिसको कहा जाता है राने निकल, मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पे नहीं जाऊँगा या रिएक्शन पे, तो एक हाइड्रोजन जो होगा वो यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन जो होगा वो यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे दो हाइड्रोजन जो होंगे वो इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो आपको ध्यान
रखना है वो कौन सा बॉन्ड है जो टूटा है, वो पाई बॉन्ड है जो टूटा है, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूट सकता। सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ या उसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है, तोड़ना डिफिकल्ट होता है। इसीलिए अल्किन्स या हर वो कंपाउंड जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, तो जहां पर भी डबल बॉन्ड होगा वो कंपाउंड्स में एडिशन रिएक्शंस करना बहुत आसान हो जाता है। यानी आप उसमें किसी भी चीज को ऐड कर दो, डबल बॉन्ड टूटेगा, ये एक इसके पास जाएगा, एक इस पे इसके पास चला जाएगा। अब याद रखना, जब भी एडिशन रिएक्शन होगा, ये मॉलिक्यूल जो आपका है अब ये डबल बॉन्डेड नहीं होगा, ये बन जाएगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। और मुझे पता है इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, दिस इज कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन, बॉन्ड हाइड्रोजन, बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, बॉन्ड हाइड्रोजन, बॉन्ड हाइड्रोजन, बॉन्ड हाइड्रोजन। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ, हर कार्बन ने यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? 4 बॉन्ड्स बनाए हैं। हर कार्बन ने यहाँ कितने बॉन्ड बनाए हैं? 4 बॉन्ड्स बनाए हैं। एंड डोंट यू फील, चारों के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ पे देखो, कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन इज अ सिग्मा बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन इज अ सिग्मा बॉन्ड। तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं तो मुझे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। जितने सिग्मा बॉन्ड उतनी हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितने पाई बॉन्ड उतने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहां जो कार्बन था वो sp2 हाइब्रिडाइज था। लेट मी राइट इट डाउन, दिस कार्बन वाज sp2, दिस कार्बन वाज sp2। तो sp2 यानी 3 ऑर्बिटल, तो 3 सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के 3 सिंगल बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। इस कार्बन के कितने सिंगल बॉन्ड? 4 सिंगल बॉन्ड। तो आपको नहीं लगता अगर 4 सिंगल बॉन्ड बनाया है तो हाइब्रिडाइजेशन में वो sp2 नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बदल के क्या हो जाएगा? sp3। और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन बदल के क्या हो जाएगा? sp3। ये याद रखना, अल्किन्स में जहां जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है वो दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और जैसे ही उनमें किसी चीज का एडिशन हो जाता है, वो एडिशन होने के बाद सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड बन जाते हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है और वो sp3 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सो यहां से मुझे एक और चीज समझ में आती है कि अल्केन्स जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड था, जहां सिर्फ सिंगल बॉन्ड था उनमें एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, पर अल्किन्स जहां पर एक डबल बॉन्ड है जिसमें एक सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है जिसको तोड़ना बड़ा आसान हो जाता है, वहां पर एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। इसीलिए अल्किन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। सर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लेटरल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड, और कैसे हाइब्रिडाइजेशन वहां पे बदल के sp2 से sp3 हो जाती है। मैं यहां पर भी लिखना चाहूंगा, दिस विल बी sp2, दिस कार्बन विल अगेन बी sp2, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई, दिस वाज इन प्रेजेंस ऑफ रानी निकल। सो मुझे उम्मीद है इथीन के बारे में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और इथीन मॉलिक्यूल आने वाले टाइम में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विल बी हैविंग अ डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फुल फ्लैश में स्टार्ट करेंगे। आई होप दिस वॉज यूजफुल, थैंक यू, टेक केयर।